कब कमर में दर्द हुआ था नमित बेटा? स्वामी जब 20 साल का था तब मेरी कमर में दर्द था। 3 साल से चल रहा है? हाँ 3 साल से चल रहा है। तो 2 साल तो बेल्ट पहनी मैंने, जब लॉकडाउन लगा तो घर बैठा तो योगा स्टार्ट करी आपका शो देख के। माँ ने प्रेरित किया। मम्मी सुबह योगा करती थी जब 5 बजे, तो मैं 5 बजे सोता था तो मैं फिर योगा करके सो जाता था। अब आदत पड़ गई, सुबह उठ के योगा करता हूँ, काफी आराम है कमर में। अब पट्टा तो हट गया तेरा? हाँ पट्टा तो हट गया मेरा, अब काफी फिटनेस फील करता हूँ। अब पूरा इसमें बस्ती भी देंगे, वो बस्ती भी लेना, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती, कटी बस्ती, ये बड़ी फायदे करती हैं। और खाने पीने में ध्यान रखना, थोड़ा उपवास ज्यादा करना बेटा ना, थोड़ा सा पेट भी कम हो जाएगा, मोटा वजन में काफी 30 किलो बढ़ गया मेरे, इसलिए कमर में प्रॉब्लम थी। कॉलेज में 60 किलो का था, अभी मैं 96 का था। 96 रे रामा रामा। अभी 6 किलो कम किया, 90 पे आ गया फिर से। पूरा कम कर देंगे, बहुत आशीर्वाद बाबूजी को देना। क्या नाम बाबूजी? प्रकाश नारायण। कहाँ से आए? डिंडोरी से। अच्छा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो कब से दर्द था कमर में? दर्द करीब 2 साल से था बाबा जी। सब प्रकार का इलाज किया, वैसे मैं 20 साल से योग कर रहा हूँ, मैं वहाँ का अध्यक्ष भी हूँ जी, और बहुत लोगों को ठीक किया मैंने, मगर मैं अपना नहीं कर पाया, इसलिए मैं यहाँ आया। मगर यहाँ के इलाज में 2 दिन में मैं ठीक हो गया, अब दर्द बिल्कुल नहीं है। 2 ही दिन में? 2 दिन में बिल्कुल। आप श्रद्धा के कारण से तो नहीं बोल रहे हैं? श्रद्धावश तो नहीं, नहीं बोल रहे? श्रद्धावश नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ, बल्कि घुटने में दर्द था वो अभी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कमर का पूरा? कमर का पूरा ठीक हो गया। तो ये भी खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। चलो अगले बहन को देना। तो ये तो प्रकाश जी ने बताया, अब ये इसको खड़े होके बैठ के भी कर सकते हैं। चलो बैठ जाओ, बैठ करके भी ये सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। आपका क्या नाम बहन? किशोरी। हाँ। कब से था दर्द? 7-8 साल से दर्द था कमर का। हाँ। बहुत इलाज करा है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ आके 2 दिन में ही फर्क पड़ गया, अभी मेरा आज 7वां दिन है। 2 ही दिन में फर्क पड़ गया? हाँ, था 2 ही दिन में फर्क पड़ गया, अभी मैं नीचे बैठ भी सकती हूँ। पहले क्या हालत थी? पहले नीचे बैठना भी मुश्किल हो गया था, उठना नीचे बैठना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन यहाँ आके बहुत ही फर्क पड़ गया है। नीचे बैठ कहाँ से आई हो? सब योगा मुंबई से। मुंबई से योगा भी सब कर सकती हूँ अभी मैं। तो ये लो, किशोरी ने अपना दर्द गायब कर लिया। बहुत तकलीफ हो गई थी। अगले भाई को देना सूक्ष्म व्यायाम। अभी सारे हाथों के भी पैरों के भी ये, अब चखने में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये कर ले जी। भैया क्या नाम है? सरयू नाम है जी, गुजरात से आया हूँ, सूरत से। 1 साल पहले दर्द चालू हुआ था, 9 महीने इतने पेन किलर दिए हैं डॉक्टर्स ने कि 1 महीना पहले मैं मॉर्निंग वॉक बंद हो गई मेरी। ओहो। 1 महीना पहले नीचे 5 मिनट लोगों के साथ खड़ा होता था, खड़ा भी नहीं हो सकता। ये हालत होगी 5 मिनट्स मैक्सिमम खड़ा होता था और पेन बहुत ज़्यादा। फिर मैं गया आपके वहाँ पतंजलि स्टोर में, उन्होंने लिवामृत एंड वाटी और सुबह की 3 एक्सरसाइज, 1 महीना करके 60% ठीक होके यहाँ आया हूँ, और 2 दिन में यहाँ 40% और ठीक हो गया हूँ। पूरा ठीक हो गया 2 दिन में, यानी कि पूरा 99% ठीक हो चुका हूँ। अब ये लगता है कि दर्द था, दर्द बहुत ज़्यादा था, ऐसा था मतलब याद मात्र रह गई। याद मात्र रह गई। चलो अगले भाई को देना। समझी हो? उष्ट्रासन करो। हाँ। इंदर राज पुरोहित हूँ मैं जी, लोनावला महाराष्ट्र से आया हूँ। लोअर बैक आराम से करना, आधा करना है पूरा करना है? लोअर बैक में बहुत पेन था स्वामी जी पिछले 25 साल से जी, और अभी यहाँ आने के बाद में नेचुरोपैथी और योगा करने के बाद में 4 दिन हुए हैं मुझे, काफ़ी आराम मिला है उसमें। और स्वामी जी मुझे घुटने में भी पेन है काफ़ी, अभी उसका नेचुरोपैथी और आज 1-2 दिन में लीड्स देने वाले हैं बताया मुझे। हाँ। और ऑर्थोग्रिड्स भी देने वाले हैं, तो उससे शायद अच्छा होगा मुझे। ऑर्थोग्रिड की बस्ती और लीड्स थेरापी पेन में जबरदस्त लाभ करते हैं, पेन वेरिकोज वेन्स और स्किन प्रॉब्लम जी स्वामी जी। प्रणाम। चलो अच्छा करें, बहन को देना। ये तो पूरी टूट करके आई हुई थी, अब बच गई मरने से बच गई। सही में गुरुजी मैं मर ही जाती, बस डिप्रेशन में ही मर जाती कि मुझे क्या हो गया। मैं इतनी अच्छी खासी, आपकी मेरी 42 साल है, 42 की। तो बड़ी अच्छी दिख रही है वैसे तो। मैं शुरू से ही योगा प्राणायाम करती हुई आई हूँ, और डॉक्टर ने मेरी 8 महीने पहले बंद करवा दी कि आपको अब एंक्रोचिंग हो गया, एक्सरसाइज बंद कर, एक्सरसाइज बंद कर। ऐसे डॉक्टरों की डिग्री छीन लेनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है, जब आपको स्पाइन की प्रॉब्लम होगी तो ये बोलना चाहिए स्पाइन का योगा अभ्यास करो, स्पाइन की एक्सरसाइज करो, बेड रेस्ट करो, आदमी पूरा जाम हो जाता है उसमें। अब मुझे 2 दिन में ही इतना आराम हुआ है कि मैं लग रहा है कि मैं पहले जैसी हो जाऊंगी। अब 2 दिन में ही आराम हो गया, अब यहाँ सुबह से शाम तक, अभी आज तो इसका 5 बार योग हो जाएगा, सुबह हो गया,
पहले हो चुका, अब दूसरा हो रहा है, फिर अब शाम को होगा। यहाँ योग के अलावा कुछ है ही नहीं। और मुझे दो दिन फास्ट के लिए भी बोला है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, दो दिन फास्ट रखना है आपको। दो दिन नहीं, तेरे को पांच दिन फास्ट रखना है। ये करे मत बोलो, नहीं तो बाबा जी साथ के साथ दिन कर देंगे। नहीं नहीं, देखो जितना फास्ट करेंगे ना उतना फास्ट रिलीफ होगा। जितना कम खाओगे, मैं कहता हूँ खाना नहीं खाओगे तो भूख रोग को खाएगी। तो बीपी लो भी हो जाता है गुरुजी? तो कोई नहीं, बीपी लो नहीं होगा। जब भूख ज्यादा लगेगी और बीपी लो होने लगे तो खजूर खा लेना। ओ, ठीक हाँ। है। तुम उपवास करो सात दिन, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तेरे को सात दिन तक जब भी भूख लगे खजूर खा लेना, खजूर मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, ठीक है। और पूरा अब कितना फायदा है तेरे को, अब बैठ पा रही है अब तो? हाँ, बैठ पा रही हूँ मैं आराम से। अब मैं थोड़ा झुक भी सकती हूँ, पहले मैं इतना भी नहीं झुक पा रही थी। थोड़ा सा झुक के दिखा, लो इतना तो झुक गई। पहले क्या हालत थी? पहले मैं ऐसे नहीं हो पा रही थी। हेला ऐसे ही अकड़ करके पीछे वाले भाई को देना। एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस सारू था इसे, ए लोगों ने भ्रांति से के सारू नहीं था। तो स्वामी जी ओम, मैं 2017 में L4 L5 S1 विथ LCS बोले थे डॉक्टर ने डायग्नोसिस किए। उसके बाद साहब ये अंग्रेजी दवाइयाँ थोड़ी बहुत खाई, फिर उसके बाद मैं छोड़ दिया। ऑपरेशन के लिए बोले थे, ऑपरेशन कराया नहीं। उसके बाद यही योगा करता रहा, थोड़ी मेगा स्टोर में जाके दवाइयाँ लिया। अब पहले से भी ठीक हो गया था, यहाँ आया और भी यहाँ आराम मुझे मिला। कट्टी बस्ती वगैरह हुआ, काफी आराम हो गया मुझे। चलो अगले को दे। ओम बाबा जी। बाबा जी, मुझे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से बिल्कुल मेरा दर्द दो दिन में ही खत्म हो। उम्र कितनी तेरी? मेरी बाबा जी 38 है। 38 में घुटने दुखने लगे थे? तूने एक तो लोड ज्यादा डाल दिया घुटने, वजन ज्यादा कर लिया ना। वजन कैसे बढ़ा बेटा? बाबा जी मुझे 12 साल से थायराइड है। हाँ, इसलिए बढ़ गया है। और बाबा जी मुझे 12 साल से माइग्रेन भी था, लेकिन मैं यहाँ आई और दूसरे तीसरे दिन ही मैंने शिरोधारा करवाया। शिरोधारा की टेबल पर ही मेरा सर दर्द गायब हो गया। और मैं आज 14 दिन से मैं धूप में घूम रही हूँ, खाली पेट भी। वजन कितना कम कर लिया? वजन तो बाबा जी मेरा यहाँ 3 kg ही कम हुआ, लेकिन घर से मैं 9 kg कम करके आई थी। थायराइड अब क्या हाल है? थायराइड तो अभी बढ़ा हुआ था, अभी यहाँ टेस्ट करवाना है बाबा जी। उज्जाई ज्यादा करना है, किसी किस बाबा जी सिंहासन करना। जी बाबा जी। तो घुटने का दर्द अच्छा कर लिया, थायराइड भी अच्छा हो जाएगा, वेट भी कम कर देंगे। माइग्रेन पेन में बाबा जी बहुत मुझे आराम मिला। 12 साल का वो माइग्रेन कहाँ गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अब योग मत छोड़ना। नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। और मेरी जितनी पतली होना है तेरे को। जी बाबा जी। गुरु जी पतले और चेली मोटी। जी बाबा जी, ऐसा सोच ले कि मेरे को अपने गुरु जैसा होना है। चलो अगली बहन को देना। ओम बाबा जी। ओम। मैं नीलम भोपाल से, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो बहुत पोस्टिंग्स वगैरह होती रहती है, तो उससे लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो मेरे को 2005 से सर्वाइकल सैक्रोलाइटिस, रेडिकुलोपैथी एंड लंबर दोनों थे, और डिस्क भी फ्यूज हो गई है। हाँ। तो अभी यहाँ 10 दिन हो गए मुझे। मुझे परसों मैंने लीच थेरेपी ली, उससे मैं डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे बैक में चेस्ट में पेन होता था। अभी इतना अच्छा लग रहा है। एक बार के लीच लगाने से? एक बार लीच, और कल मैं वापस जाके लंबर में भी नीचे भी लगाया। और अब मैं पहले तो डरते हैं लीच क्या, और बाद में इतना अच्छा लगता है कि मैं बिना सपोर्ट के बैठ नहीं सकती थी। अभी मैं पूरा 2.5 hours आपके साथ सुबह और शाम को 1.5 hours बिना सपोर्ट के बैठती हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है? नीलम। नीलम, नीलम के तो लीच जो है ना, इसको डब्बे में डाल के दे देंगे, घर पे भी लगा लेना। हाँ, मुझे ये भी करना पड़ेगा, लीच भी यहाँ पर लीच फॉर सेल रखना पड़ेगा। हाँ, उसमें पानी में रख दो, चलती है। हाँ, पानी में रखते हैं उसको, वो तो बिल्कुल मछली से भी ज़्यादा ईजी है। मछली को तो कई तरह के खाना खिलाना पड़ता है, लीच तो पानी में गुजारा कर लेती है। जी हाँ, जोक ही तो है। अब जोक थेरापी बोले तो लोग कहेंगे क्या है, और लीच थेरापी अंग्रेजी का नाम है ना। मुझे नीज में भी प्रॉब्लम थी, और वो अक्यूप्रेशर से, वो गौतम है एक जो अक्यूप्रेशर करते हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, इतना मतलब वो भी खत्म हो गया मेरा। थैंक यू, बहुत आशीर्वाद। चलो अगली बहन को दो। सलभासन करो, भुजंगासन, सलभासन। जी
बाबा जी मुझे 2 साल से कमर में इतना दर्द था कि ऐसे लग रहा दोनों साइड जैसे किसी ने बांस बांध रखे हो। अरे राम राम। मैं मुड़ नहीं सकती थी, मैं कुछ नहीं, मेरी आंखें ऐसे निकली होती थी। मैंने यही पीड़ा नील ऑर्थोग्रेड और ये गिलोय एलोवेरा का काढ़ा पिया, मुझे काफ़ी आराम हुआ। फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे हरिद्वार में बाबा जी के तारीफ करूँ कि बाबा जी का मैंने टीवी देख देख के मैं इतनी ठीक हो गई हूँ कि बाबा जी मैं आपकी तारीफ, दिल्ली सादर से आई हूँ, मैं करने आई हूँ आपकी तारीफ कि बाबा जी मैं ठीक हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी और बहनें हैं वो भी ठीक हुई हैं। और बस अब मेरे घुटनों में दर्द है और कल से मेरे को इतनी अच्छी मसाज की, पोटली मसाज 2 बच्चों ने, कि मैं अब चल भी अच्छी पा रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे करके चलती थी। मुझे बहुत आराम है बाबा जी, बहुत आराम। चलो बहुत आशीर्वाद। ऐसे भुजंगासन से लेकर के धनुरासन तक आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके 10-20 सेकंड थे, 1-2 मिनट सुधी, धीमे धीमे 5-5, 10-10 मिनट सुधी। चलो मरकटासन करो। मरकटासन, आ मरकटासन एकदम सरल सहज अभ्यास से, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटितानासन। ओम भाई, आराम आराम थी जी भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं पेशे से एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक बिजनेस कोच हूँ। एंड व्यापार में कैसे आगे बढ़ना है ये सारे मोटिवेशन देता रहा, लेकिन हेल्थ में कैसे आगे बढ़ना है ये मोटिवेशन अपने आप को दिया नहीं जी। हर साल जिम करता था 1-2 महीना। इस साल मई के महीने में 1 पूरा महीना जिम किया, अच्छी एक्सरसाइज की, लेकिन उसके बाद दोनों कंधों में इतना पेन होने लगा कि एक्सरसाइज एकदम से छूट गई। घुटने में पेन होने लगा, रिस्ट में पेन होने लगा, तो पिछले 8 महीनों से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, 6-7 महीनों से जी। लेकिन आई थिंक मैं 6 तारीख को यहाँ आया था, 6 तारीख से 3 दिन हो गए लगातार योग करते, प्राणायाम करते। एंड मैं कहूँगा कि अब मैं काफ़ी सारे प्राणायाम जो मुझसे होते नहीं थे वो कर पा रहा हूँ। एंड काफी आसन भी करने लग गए सब पीठ में भी बहुत सारे यू नो ऐसे सीधे बैठना बड़ा मुश्किल था, ऐसे ही बैठा रहता था जैसे आपने पहले बताया तो पीठ में अब 2-2 घंटे भी आराम से सीधा बैठा जाता है। थैंक यू सो मच बाबा जी। अब ये बात अच्छी बताई हमारे भाई ने, भूपेंद्र भाई ने, कि पहले बताता था व्यापार में कैसे आगे बढ़ना, उपचार कैसे करना, अपना खुद का सेल्फ हीलिंग कैसे करना, योग से सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में हम जीते हैं, और ये इतना अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है अब तो मोटिवेशनल जो स्पीचेज के साथ साथ में हेल्थ स्पीच भी अब देने में एक नई कैपेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। थैंक यू बाबा जी, आपका आशीर्वाद है। आप पीछे वाले भाई बहनों को देना। ऐसे मरकटासन आराम आराम से करो। ओम बाबा जी। हाँ जी बेटू जी। मेरा नाम दक्ष है, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं पहले मैं ना सिर्फ 10 सेकंड को जैसे बैठ के ऐसे हो जाता था। अभी तो इधर आके तो मुझे मेरा फ्लैट फुट था, किसी ने बताया नहीं, अब मुझे ये भी पता चला, और मेरा तो भी ठीक भी हो रहा, मेरा कमर भी ठीक हो गया ऑलमोस्ट, सिर्फ थोड़ा सा इधर गर्दन में बचा था। कमर में दर्द हो गया था? नहीं दर्द नहीं है, बस वो निकल गया है। अच्छा, वो पीछे से ऐसे निकल गया होगा टेढ़ा बैठने से। हाँ टेढ़ा भी ठीक हो गया है, और जैसे मरकट आसन और ऐसे सब आसनों से, और मेरा इतना भी थोड़ा सा ठीक हो गया। अब मैं अभी ताड़ासन ज्यादा करना, फ्लैट फुट भी ठीक हो जाएगा, 50-100 बार करना। और मैं पहले तो नीचे देख के चलता था, अभी स्ट्रेट देखता हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ी बात बताई भाई। क्या नाम बोला? दर्श। दर्श बड़ा अच्छा बालक है, और अब ऐसे करते रहे ना बेटा ना। हाँ हाँ, नहीं तो ये गलत पोस्चर में बैठना चलना ये गलत हो जाता है। पहले मैं तो मतलब सोफे पे ही, मतलब गद्दे थे उस पे ऐसे सर ऐसे करके बैठता था, इसलिए ऐसे नहीं। पीछे से कुबड़ा निकल गया वही, अभी एकदम ठीक हो गया। बहुत आशीर्वाद बेटा, अच्छी बात बताई बच्चे। चलो। ओम बाबा जी। ओम। मैं रितंबरा अजमेर राजस्थान से आई हूँ। मुझे घुटनों में और रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता था, पिछले 3-4 महीने से योग करने लगी हूँ तो घुटनों का दर्द भी चला गया है और पीठ की दर्द भी चला गया है, सब योगा से ही हुआ है और वो डिफरेंस मुझे दिख रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सब चीज़ें हमें सिखाने के लिए। रितंबरा, हाँ उसने रित को भर लिया आपने भीतर जी, अब पक्की रितम भरा हो गई। पहली तो बीच बीच में रोग भी भर रहे थे, रोग भरा भी हो रही थी
अब रितम भरा पूरे योग के रित को सत्य को धारण कर लिया। बहुत आशीर्वाद बेटा। ऐसे जेने पण कमर में दुखा हो छे ना बधा योग अभ्यास धीमे धीमे करता रहेजो, एक एक बेबी मिनट, अने जेम बधा सारा थया छे ना एम बधा साजा थई जशे। ओम स्वामी जी, जी मैं कृष्ण दिल्ली से हूँ। 5 साल से मेरी बैक में बहुत दर्द रहता था और नीचे पैरों में, राइट साइड के पैर में पूरा नीचे तक दर्द रहता था, बैठ नहीं पाता था मैं लगातार आधा घंटा भी। लेकिन यहाँ आने के बाद, मैं 5 तारीख को यहाँ आया था, आने के बाद अब मैं सुबह आपके साथ 2.5 घंटे तक योग प्राणायाम करता हूँ, लेकिन दर्द अब बिल्कुल नहीं होता। 2-3 दिन में ही अब बहुत आराम हो गया। 2-3 दिन में अब ये दर्द जो वर्षों के सदियों पुराने लेकर के पूरा पैर में, राइट वाले पैर में नीचे तक दर्द रहता था इस पैर में पूरा। चलो बहुत आशीर्वाद। और बैक में बहुत तेज दर्द रहता था, मैं आलती पालती मार के ऐसे नहीं बैठ पाता था, अब बिल्कुल सीधा बैठ जाता। ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं लेकिन ये पीड़ा बहुत देती है और आदमी इससे मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अगले भाई बहन को देना। ओम ओम। आकाश गुप्ता अहमदाबाद गुजरात से जी। मुझे लगभग 8-10 साल से लोअर बैक में बहुत जबरदस्त पेन था और सर्दियों के समय में वहाँ पे नीचे स्वेलिंग आ जाती थी, इतना ज्यादा दर्द जी। और अब मैं 6 दिन से यहाँ पे हूँ, जितनी नेचुरोथेरेपी है वो ली, पोटली मसाज से जबरदस्त लाभ हुआ है, जबरदस्त। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हड्डियां खोल के हड्डियों के अंदर घी डाल दिया। ये जोरदार उपमा दिया। वो बहुत अच्छा है। और हिप बात और जो स्पाइनल की जो थेरेपी देते हैं वो बहुत अच्छी है। और डिटॉक्स होने के लिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हर साल यहाँ पे आए हम लोग। क्या करते हो बेटा? हमारा बिजनेस है सर, वहाँ पर समर्सिबल पंप्स और मोटर्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, बहुत आशीर्वाद। एक बार साल में आ जाकर तेरी सर्विस मैं कर दूंगा। धन्यवाद। इंजन की ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, पूरे परिवार के साथ आए हैं, वो उधर है। चल बहुत आशीर्वाद। पीछे देना। श्रद्धे स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम द्रौपदी है, मैं 69 ईयर ओल्ड हूँ और भिवानी हरियाणा से हूँ। बड़ी मजबूत माता है स्वामी जी। 2005 से हम जुड़े हुए हैं। मैंने योग शिविर आपके टीचर ट्रेनिंग ली थी, मेरे को प्राइज भी मिला वो आपसे। श्रद्धे दिव्य प्रिय जी थे जब वो प्रभारी, तो मैं वहाँ कैशियर थी भिवानी की। अच्छा। तो मैंने बहुत सक्रिया, आपने बहुत बड़ा कैंप वहाँ लगाया था जब, तो हमने बहुत सेवा की। उसके बाद मैं थोड़ा गिर गया और मेरे स्लिप डिस्क हो गया। L1, 2, 3, 4, 5 मेरे को करो प्रणायाम। यस, मैक्स में ऑपरेशन कराना पड़ा, बहुत बड़ा, 4 लाख रुपया लग गया। उसके बाद फिर मेरे को 2020 में कोरोना हो गया। कोरोना में मैं एक तो हॉस्पिटल में रही, उसके बाद फिर हमने लेके किट वो ठीक हुए, कोरोनिल किट, कोरोनिल की। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी सब सारी वट्टी और सारा डाल के, उसके बाद मेरे को अस्थमा थायराइड हो गया, बीपी हो गया, फिर अटैक आने लग गया उसका अस्थमा। फिर मैं सब सारी गोल्ड लेके आई, 2 बीड़ी ली सुबह खाली पेट और सारी कवात वो पिया। अब ठीक हो गई? मेरे स्पाइन का दर्द यहाँ के ठीक हुआ। मैं तो घर में 2 चपाती बनाती थी, 5 मिनट लेटती थी। अब मैं टेंट से पैदल चल के आ जाती हूँ यहाँ तक, योगा तक। नहीं तो पहले अब बताओ, घर का छोटा छोटा काम करना मुश्किल हो रहा है। थैंक यू समझी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू समझी। हमने ना घर में सारा यूज करते हैं, कार्ड बनवा रखा है और एक अलमारी बना रखी है, उसमें एक तो सारी मेडिसिन स्प्रे ना गोल्ड न्यूरोग्रेट और पेडांतिक स्प्रे सब कुछ ला रखा है और पूरा घर एक अलमारी पतंजलि के नाम की। हाँ, ये ठीक। और जिनको जो कोई टिक्का जितने रखड़ी रुखड़ी बांधते थे हम उनको गिफ्ट देते, देसी घी का कोई कैंडी दे दो, कभी कुछ दे दो ऐसे, बाकी मार्केट से बढ़िया बढ़िया चीज गिफ्ट देते, बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम भाई। मैं प्रवीण गर्ग दिल्ली से पतंजलि का स्टोर चलाता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। मैं और कस्टमरों को ठीक रहने के तरीके बताता था और मैं मेरी खुद पीठ में ही दर्द आने लग गया जी। तो सोचा भाई बाबा के पास चलो। हाँ जी, 50-100 मीटर चलता था तो मेरे को दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैंने आपको इंडिया टीवी पे देख देख के 4 ये आसन करे, ये भुजंगासन और मरकटासन, सेतुबंधासन और पवन मुक्तासन, तो मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक है। मतलब वजन और कम कर ले भाई। हाँ जी, और मैं पूरी तरह से ठीक होने के लिए योग ग्राम आया हूँ। थोड़े दिन
उपवास और कर ले। ठीक है जी। देखो तुम सब मेरे को, मैं तुम्हारा आइडियल हूँ क्योंकि मुझे तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, तो तुम यही सोचो कि हमें बाबा जी से मोटा नहीं होना। ठीक है ना? ठीक है स्वामी। हाँ, थोड़े दिन उपवास कर लो तो एकदम लेवल में आ जाएगा, बाद में मेंटेन हो जाएगा। कपाल भाती अनुलोम विलोम धीरे करना, तेजी से नहीं करना कमर दर्द होने पर। कपाल भाती जी। बाबा जी ओम प्रणाम बेटा। बाबा जी मुझे लोअर बैक का प्रॉब्लम है 8-10 साल से, बट वो ठीक नहीं हुआ था, बट यहाँ पे 4-5 दिन में आके ही मैं मतलब 50% मेरा चला गया है। 8-10 साल से? जी जी। वो मेरा पोस्चर थोड़ा बैठने का ठीक नहीं था पहले। ये ऐसे बैठते हैं ना ये? जी जी। ये मामला गड़बड़ है। हाँ जी हाँ जी। और ये छोटा सा बालक बताया मुंबई वाला, कितनी जोरदार बात बताई इसने कि ऐसे बैठ बैठ के पीछे से कुबड़ा हो गया था। और मुझे जी वीकनेस भी बहुत है मेरे पैरों में भी, मैं चल नहीं पाता सही से। मेरा जॉब ऐसा ही है चलने फिरने का, बट सही से मैं चल नहीं पाता। अब यहाँ पे आके थेरेपी नेचुरोपैथी लिया है तो मुझे काफ़ी आराम है।